दोस्तों MC स्टैन आज ये नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड है। आज भारत के लाखों युवाओं का इंस्पिरेशन बन चुके हैं स्टैन। स्टैन के बारे में लगभग आप सभी कुछ न कुछ तो जरूर जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है अभी इनका रियल गर्लफ्रेंड कौन है? क्या आपको ये पता है कि स्टैन एक बार जेल भी जा चुके हैं? क्या आपको ये बात पता है कि इन्होंने अपने एक रैप में लिखा था कि मैं रैपर नहीं गैंगस्टर हूँ? मैं रैपर नहीं गैंगस्टर है। और दोस्तों वाकई में पहले एक गैंगस्टर का मेंबर भी रह चुके हैं। और दोस्तों क्या आपको ये बात पता है कि इनके फादर पुलिस कर्मी भी रह चुके हैं? सो दोस्तों इसी तरह से आज के इस वीडियो में हम आपको MC स्टैन के बारे में 15 ऐसे नॉन फैक्ट बताने वाले हैं जिसे शायद ही आप जानते होंगे। फिर देर किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टैन के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नंबर 1, MC स्टैन का रियल नाम अल्ताफ शेख है और इनका जन्म पुणे में 30 अगस्त 1999 को हुआ था, यानी कि अभी ये 23 साल के हैं। नंबर 2, लोगों को लगता है कि 2018 में इन्होंने जो वाटा सॉन्ग डाला था वो इनका पहला सॉन्ग है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ से सिर्फ इनको फेम मिला था। इनका पहला सॉन्ग इन्होंने तब डाला था जब ये सिर्फ 16-17 साल के थे और उस सॉन्ग का नाम था मेरा फ्लो। नंबर 3, MC स्टैन को असली पहचान तब मिली थी जब इन्होंने इमियो बंटाई पर गाना बनाया था खुजामत। आज इस गाने पर 44 मिलियन से ज्यादा व्यू है और बंटाई ने उसका जवाब भी दिया था। इस कंट्रोवर्सी के दौरान ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए थे और आज ये यहाँ तक पहुँच गए हैं। नंबर 4, बिग बॉस में आने के बाद MC स्टैन देश का जाना माना चेहरा बन चुके हैं, लेकिन इनके फैंस का तो कहना है कि बिग बॉस ने MC स्टैन को नहीं बल्कि MC स्टैन ने बिग बॉस को फेमस किया है। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 5 पे दोस्तों, इनकी पर्सनालिटी हमेशा से गैंगस्टर वाली रही है और ये कई बार जेल भी जा चुके हैं। आपको ये भी बता दे कि पहले एक गैंग का हिस्सा भी रह चुके हैं और अपने एरिया में ये बहुत ही ज्यादा फेमस थे। दोस्तों कई लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि इनके फादर एक पुलिस ऑफिसर थे। हाल ही में आई कुछ न्यूज के मुताबिक इनके फादर पुलिसकर्मी थे। नंबर 6, जब इमियो बंटाई ने अपने गाने समाज में आया क्या से MC स्टैन को डिस किया था, तब लीगल प्रॉब्लम्स के कारण MC स्टैन जेल में थे और इन्होंने अपना सबसे पॉपुलर गाना खुजामत जेल में ही लिखा था, जो ये बताता है कि आज ये जहां है वहां तक पहुंचने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है। नंबर 7, MC स्टैन और इमियो बंटाई दोनों ही देसी हिप हॉप के जाने माने नाम है। 2018 में दोनों के बीच काफी ज्यादा बहस हो गई थी और लोगों को लगा था कि दोनों के बीच रिश्ते काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं, लेकिन आपको ये बता दे कि स्टैन ने कई सारे इंटरव्यू में कहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यह तो बस एक आर्टिस्टिक लड़ाई है। असलियत में तो यह भाई लगते हैं और उनका कहना है कि इमियो बंटाई सच में उनके कजन भाई है। नंबर 8, स्टैन ने एक बार रफ्तार का गिफ्ट रिजेक्ट कर दिया था। जब रफ्तार पुणे गए थे हस्टल TV शो के ऑडिशन के लिए, तब वो MC स्टैन से भी मिले थे और रफ्तार ने इनके कामों के लिए इनको माइक्रोफोन गिफ्ट कर दिया था, लेकिन MC स्टैन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। फिर जब इनसे पूछा गया था कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, तो इनका कहना था कि इन्हें नहीं पता था कि देसी हिप हॉप इंडस्ट्री में तारीफ करने के लिए माइक्रोफोन तोहफे में दिया जाता है। इन्हें लगा कि रफ्तार इन्हें ऐसे ही माइक्रोफोन दे रहे हैं और उनके पास ऑलरेडी माइक्रोफोन था, तब इन्होंने कहा कि इन्हें जरूरत नहीं है। नंबर 9, MC स्टैन के बारे में बात करें और उनके चैंस के बारे में बात न करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। MC स्टैन सबसे महंगे और सबसे हेवी चैंस पहनते हैं पूरे के पूरे हिप हॉप इंडस्ट्री में और इसलिए इनका फैशन सबसे अलग और सबसे हटके है। कई लोग इनको इनके फैशन के वजह से भी काफी प्यार करते हैं। नंबर 10, दोस्तों आपको नहीं पता होगा लेकिन MC स्टैन काफी रिलीजियस है। ये काफी ज्यादा भगवान पर विश्वास करते हैं और इसी वजह से वो अपने ज्यादातर गाने शुक्रवार को ही रिलीज करते हैं, क्योंकि उस दिन जुमा होता है और इनका जो लेटेस्ट गाना आया था वो अभी शुक्रवार के दिन ही रिलीज हुआ था। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि इनके गाने शुक्रवार को ही रिलीज हो, हालांकि कभी आगे पीछे भी हो जाता है। नंबर 11, MC स्टैन के पास 80 से भी ज्यादा ऐसे गाने हैं जिसे कभी इन्होंने रिलीज ही नहीं किया है। यह बात सुनकर लोगों को यकीन नहीं होता, लेकिन इसके बारे में खुद इन्होंने ही अपनी लाइव स्ट्रीम में कहा था कि वो कई सारे गाने बनाते तो है, लेकिन वो हमेशा सारे गाने को रिलीज नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें अपने गानों में कुछ न कुछ कमी लगती है या फिर कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिसके तहत वो उसे रिलीज नहीं कर पाते हैं। और ऐसे ही दोस्तों इनके पास 80 से भी ज्यादा गाने पड़े हैं, जो बताता है कि ये कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। नंबर 12, स्टैन को सोशल मीडिया पर लाखों लोग फॉलो करते हैं, लेकिन वो इंस्टाग्राम पर किसी को भी फॉलो बैक नहीं करते हैं। ये काफी यूनिक चीज है, लेकिन ये सच में ऐसा करते हैं। और यह अकेले ऐसे रैपर नहीं है, कुछ और भी बाहर के फेमस रैपर है जो कुछ ऐसा ही करते हैं, जैसे कि Eminem, वो भी किसी को फॉलो नहीं करते हैं। नंबर 13, स्टैन की एक्स गर्लफ्रेंड का नाम निया मैक है, जिनका जन्म पुणे में हुआ था और पेशे से यह भी एक रैपर और सिंगर है, जो MC स्टैन के खुजामत गाने में नजर आ चुकी है, लेकिन इसके बाद इनका ब्रेकअप हो गया था। और उसके बाद स्टैन 2022 में अपने नए गर्लफ्रेंड के बारे में बताया था, लेकिन 2022 के अंत आते आते उनसे भी ब्रेकअप हो गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस वक्त MC स्टैन सिंगल है और उनकी आखिरी गर्लफ्रेंड का नाम आजमा शेख थी।
नंबर 14। दोस्तों एमसी स्टैन का जन्म जरूर एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन इनकी मेहनत और इनके टैलेंट के जरिए आज ये एक अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। स्टैन की नेटवर्थ की बात करें तो इनका नेटवर्थ 25 से 30 करोड़ के बीच है। नंबर 14। एमसी स्टैन का कंट्रोवर्सी से भी नाता रहा है। स्टैन की एक्स गर्लफ्रेंड आजमा शेख ने उन पर मारपीट का आरोप लगाया था। आजमा के मुताबिक स्टैन ने अपने मैनेजर को पीटने के लिए भेजा था, उससे इनके चेहरे पर चोटें भी आई थी। सो दोस्तों यही थी एमसी स्टैन के बारे में 15 अननोन फैक्ट्स। वैसे अगर आप एमसी स्टैन के फैन हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अब एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।